देखिए, आज के क्लास में हम लोग कुछ देखना है कंपाउंड जनरल एंट्री के बारे में। अभी तक जो जनरल एंट्री हम लोगों ने देखा था वो सिंपल जनरल एंट्री था, जिसमें सिर्फ दो खाते बनते थे। एक खाता हमारा डेबिट होता था और दूसरा खाता हमारा क्रेडिट होता था। लेकिन आज की जो जनरल एंट्री है वो कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या होगा, हमेशा आपके दो से अधिक खाते बनेंगे। ठीक है, हमेशा आप देखेंगे तो दो से अधिक खाते आपके बनेंगे, इसलिए कंपाउंड जनरल एंट्री को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए, लिखा है ऐसी जनरल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, कंपाउंड जनरल एंट्री कहलाता है। अभी तक का क्या था, अभी तक सिर्फ दो खाते हमारे बनते थे, एक खाता हमारा डेबिट का होता था और दूसरा खाता हमारा क्रेडिट का होता था। लेकिन ये कंपाउंड जनरल एंट्री में सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें दो से अधिक खाते बने एक। ठीक, अब कैसा है, दो या दो से अधिक सिंगल जनरल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता, चाहे तो हम दो सिंपल एंट्री पास करें या फिर एक कंपाउंड जनरल एंट्री पास करें। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। दे रखा है एज ऑन 30 अप्रैल 2020, यानी 30 अप्रैल 2020 को मेड ए पेमेंट, एक पेमेंट दिया गया आप ₹50,000, 50,000 रुपए का, टुवार्ड्स टेलीफोन बिल 20,000, टेलीफोन बिल के लिए 20,000 रुपए, स्टेशनरी के लिए 20,000 रुपए और ट्रेवलिंग के लिए 10,000। 50,000 रुपए का बिल हमने पे किया, किससे पे किया, चेक से। 50,000 का बिल हमने पे किया किससे, चेक से। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो 20,000 रुपये हमने टेलीफोन का बिल पे किया, 20,000 रुपये स्टेशनरी का पे किया और 10,000 रुपये ट्रेवलिंग का पे। अब अगर आप देखेंगे तो आपको ये तीन एक्सपेंस दिख रहे हैं, एक टेलीफोन का, दूसरा स्टेशनरी का और तीसरा ट्रेवलिंग का। टेलीफोन का, स्टेशनरी का और ट्रेवलिंग का। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, ये जो टेलीफोन एक्सपेंस है, ठीक, ये चूंकि यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का खर्च है, एक्सपेंस। और हम जानते हैं कि जो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस के वो खाते होते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का जो नियम होता है वो नियम ये कहता है कि अगर आय लाभ है तो क्रेडिट और व्यय है तो डेबिट। तो चूंकि यह एक्सपेंस है, ये क्या है हमारा, यह एक प्रकार का व्यय है, खर्च है, इसलिए हम खर्चों को करते हैं डेबिट। इस रूल के हिसाब से हम इसको करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो हमारा पहला खाता क्या पता चला कि हमको टेलीफोन बिल का खाता हमको करना है डेबिट। ठीक, समझ में आया, हमें पहले खाता हमारा क्या पता चला, हमको टेलीफोन वाला जो खाता हमको है वो करना है हमको डेबिट। बाकी चीजों को मैं हटा दे रहा हूँ अभी, सिर्फ हमको फोकस करना है एक्सपेंसेस के लेजर, जो जहां जहां दिए गए। दूसरा जो हमारा खाता है वो दूसरा खाता है हमारा किसका, स्टेशनरी एक्सपेंस का। ये स्टेशनरी एक्सपेंस, तो स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी भी एक प्रकार का खर्च है, एक्सपेंस है ना, बिजनेस में स्टेशनरी भी एक प्रकार का खर्च है। खर्चों का खाता अगर नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार देखा जाए तो डेबिट कर दिया जाता है, इसलिए इसको भी हम डेबिट करेंगे। तीसरा है ट्रेवलिंग का। ट्रेवलिंग मतलब क्या होता है, यात्रा, यात्रा से संबंधित, यह भी एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस। इन एक्सपेंस के खातों को हम कर देंगे डेबिट। तीन चीजें डेबिट हो गई, टेलीफोन बिल का खाता डेबिट हो गया कितने से, 20,000 रुपए से, स्टेशनरी का खाता डेबिट हो गया 20,000 से, ट्रेवलिंग का खाता डेबिट हो गया 20,000 रुपए से, चूंकि 10,000 से। चूंकि ये सारा पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, चेक से, ये सारा पेमेंट चेक से कर रहे हैं, प्रभाव किस पर पड़ेगा, बैंक पर। और अभी जस्ट पिछले ट्रांजेक्शन में आप लोग देखिए, हमने सिटी बैंक में खाता खोला था, इसलिए ये सारा अकाउंट हम एडजस्ट किससे कर देंगे, सिटी बैंक के खाते से। अगर यहाँ बैंक का नाम नहीं दे रखा है तो प्रीवियस ट्रांजेक्शन में आप देखिए, यहाँ पर आपको ये कंफर्म। ठीक, और नरेशन लिख दे, बीन एक्सपेंस पेड बाय सिटी बैंक चेक। समझ में आ जाएगा, क्यों, यहाँ तक हो जाएगा ना, बताइए। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से खाते हैं जो डेबिट होने हैं, ऐसे कौन कौन से खाते हैं जो डेबिट होने हैं,
उन खातों को पहचानिए, चूंकि ये सारे खर्च हैं, खर्चों को कर दिया जाता है डेबिट, इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट। समझे? इस तरह से एंट्री करना है। अरे भाई, सिंपल एंट्री करने का नियम आप लोग जानते थे कि डेबिट की लाइन हमेशा पहले लिखी जाती है, इसलिए हम इसको पहले डेबिट वाली लाइन पहले लिखते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए। तो डेबिट वाली लाइन हमारी पहले हो गई, अब उसके बाद बचा क्रेडिट वाला लाइन। ठीक, इसमें कोई दिक्कत बताइए, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आ गया ना? सेकंड चीज आगे का देखिए, ये तो हो गया हमारा डेबिट वाले एंट्री, अब उसके आगे का चीज देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए सोल्यूशन भी दे रखा है इन द अबोव एंट्री, यानी इस एंट्री में वी हैव डेबिटेड थ्री अकाउंट, हमने तीन अकाउंट को डेबिट किया। कौन कौन सा? टेलीफोन बिल का डेबिट किया, स्टेशनरी का अकाउंट हमने डेबिट किया एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाला डेबिट किया। ये तीन खातों को हमने डेबिट किया एंड क्रेडिटेड वन अकाउंट, कौन सा अकाउंट? सिटी बैंक का अकाउंट। हमने तीन खाता डेबिट किया और एक खाता क्रेडिट किया। एक कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। जो कंपाउंड एंट्री है वो तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा है? इसका प्रकार दे रखा है, पहला है डेबिट मल्टीपल अकाउंट, यानी एक से अधिक खातों का डेबिट होना एंड क्रेडिट वन अकाउंट, एक खाते का क्रेडिट होना। एक से अधिक खाता डेबिट होगा लेकिन सिंगल खाता हमारा क्रेडिट होगा। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में आप देखिए, तीन खाता डेबिट होगा, एक दो तीन, क्रेडिट हो रहा सिर्फ एक। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? डेबिट मल्टीपल अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, एक से अधिक डेबिट भी होगा और एक से अधिक क्रेडिट भी होगा। आगे इसको देखेंगे हम लोग, फिर डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट, एक खाता डेबिट होगा लेकिन क्रेडिट एक से अधिक खाता होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो अब यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को ना? नेक्स्ट है, धन लक्ष्मी इंटरप्राइजेस फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन फॉर अप्रैल 2020 के लिए, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन। हमें इन ट्रांजेक्शन को जनरलाइज करना, जनरलाइज करने मतलब होता है जनरल एंट्री करना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी जनरल एंट्री अगर आपको करनी है तो आप ट्रांजेक्शन को कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, उसको देखिए और देखने के बाद फिर उसको आप जनरलाइज करिए। तो चलिए पहले ट्रांजेक्शन को हम रीड करते हैं। हमें ट्रांजेक्शन दे रखा है 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 20 का ट्रांजेक्शन है। ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस फॉर ₹6 लाख, वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर 56002, ICICI बैंक। बिजनेस के मालिक ने क्या किया, हमको एक चेक भी दिया, कितने का? 6 लाख रुपए, और वो चेक था किसका? SBI बैंक का था। उन्होंने एक हमको चेक दिया और वो चेक था किसका? SBI बैंक का, और उसका अमाउंट था 6 लाख रुपए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें दे रखा है ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस फॉर ₹6 लाख, वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेक नंबर 56009। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। इंक्लूड कर गया, देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझिए। आगे ऑनर इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस फॉर ₹6 लाख, 6 लाख का इन्वेस्ट किया गया वाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसका चेक नंबर है 56009 टू ICICI बैंक। ठीक है, अब यहाँ उसकी एंट्री कैसे करेंगे आप? सबसे पहला चीज आपको ये देखना है
किस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दो चीजों पर पड़ेगा, एक तो पड़ेगा कैपिटल पर, एक प्रभाव किस पर पड़ेगा, कैपिटल। पहला प्रभाव पड़ेगा हमारा कैपिटल पर, पहला प्रभाव पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पर। हम जानते हैं कि कैपिटल का खाता हमेशा हमारा क्रेडिट होता है, क्योंकि ये मालिक के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। एक खाता तो आपने बना लिया कैपिटल का, कैपिटल का खाता हो गया आपका क्रेडिट। दूसरा जो खाता आपका बनेगा वो खाता आपका बनेगा आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि देखिए देने वाला पार्टी कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन पाने वाला पार्टी कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। तो चेक हम कहां पर लगा रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक पर। आप अब चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक क्या है, एक प्रकार का बैंक अकाउंट है, और हम जानते हैं कि जो बैंक का खाता होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का सीधा सा नियम होता है कि देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा आ रहा है और पैसा आ कहां रहा है, आईसीआईसीआई बैंक में, यानी आईसीआईसीआई बैंक अगर देखा जाए तो रिसीवर है यानी पाने वाला है, और पाने वाला हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। आई बस सुनिए, यहां तक क्लियर हो गया, इसलिए हम इस अकाउंट को करेंगे डेबिट। हो गया, इसका यही एक सलूशन है कि आप सबसे पहले कैपिटल के अकाउंट को क्रिएट करेंगे और बैंक के अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसको सलूशन कैसे लिखेंगे, आप हम जानते हैं कि डेबिट का खाता हमेशा हमारा ऊपर लिखा जाता है, ठीक, हाँ, इसमें एक कैपिटल का अकाउंट बनेगा और दूसरा बनेगा हमारा आईसीआईसीआई बैंक। इसका सलूशन समझ में आ गया आप लोगों को ना, इसका सलूशन सिंपल सा यही बनेगा आपका आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नोट कर लीजिए इसको, ये इसका सलूशन बनेगा। मालिक के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कैपिटल का रहता है, ठीक है, उसको आप एनालाइज करेंगे तो हमेशा आपको दिखेगा क्रेडिट के रूप में, क्रेडिट शब्द इस्तेमाल करते नहीं है, इसलिए यहाँ टू और बाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नोट पर फिर आगे समझाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है परचेज, खरीदा गया क्या मशीनरी फ्रॉम सैम मशीन टूल्स। ये जो सैम मशीन टूल्स आपको दे रखा है ना, ये एक दुकान का नाम है, यहां से लेके यहां तक जो दे रखा है ये दुकान का नाम, यानी परचेज मतलब खरीदना, हमने खरीदा, क्या खरीदा, मशीनरी खरीदा, किससे, सैम मशीन टूल से, कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का, और उसके लिए फिर हमने चेक से पेमेंट किया और वो चेक था हमारा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन है, रिज्यूम करिए कि हम किसी मशीनरी की दुकान पर जाते हैं, जाने के बाद उस बंदे से हम मशीनरी खरीदते हैं और मशीनरी के बदले हम उसको पेमेंट देते हैं 1,00,000 रुपए का, और वो पेमेंट जो देते हैं वो हम देते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। अब सुनिए,
अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो चीज आप देखिए ध्यान से। सबसे पहला चीज इसमें खाता कौन कौन सा हम बनाएंगे, एक खाता हमको बनाना है मशीनरी का। आप ध्यान से देखिए पहला खाता आपका बनेगा मशीनरी का, ठीक। ये आपका मशीनरी का, मशीनरी को अगर आप चेक करिए तो मशीनरी एक प्रकार का है बिजनेस के लिए, क्या है एसेट्स, है ना। एसेट्स के जो खाते होते हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, एसेट्स के जो भी खाते हैं वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब रियल अकाउंट आपको कंफर्म हो गया तो आपको ये देखना है कि व्यापार में क्या आ रहा है, व्यापार से क्या जा रहा है, रूल यही कहता है ना। तो आप बताइए तो हम सीनरी व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। जो हमने खरीद लिया तो ये व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट कर, इसलिए हम इसको कर देंगे डेबिट। ये व्यापार में आ रहा है और आने वाली चीज को करते हैं डेबिट। दूसरा जो खाता हमारा बनेगा वो है आईसीआईसीआई बैंक, चूंकि यह एक प्रकार का बैंक अकाउंट है और बैंक का खाता कैसा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का नियम यह है कि देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। आप बताइए बैंक यहाँ पैसा देने वाला है कि पाने वाला, देने वाला, देने वाला। चूंकि बैंक है और देने वाला है, और देने वाला हमेशा क्रेडिट में होता है, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन आपका बनेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक। ये इसका सोल्यूशन बनेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट। हाँ लेकिन यहाँ परचेज नहीं बनाएंगे क्योंकि हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, हाँ वो डेबिट रहता है। अगर एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स का खाता बनाएंगे, और अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आए बात समझे, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा अगला जो अकाउंट है वो है परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर। क्या कहा जा रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम केपीएन फर्नीचर। केपीएन फर्नीचर एक फर्नीचर की दुकान, ₹5 90,000 90,000 रुपए का, बाय पेइंग चेक नंबर 560025 आईसीआईसीआई बैंक। यानी हमने आईसीआईसीआई बैंक से फर्नीचर खरीदा, आईसीआईसीआई बैंक से फर्नीचर खरीदा, सॉरी हमने केपीएन फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा जिसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से। इसमें नीचे एक ट्रांजेक्शन और दे रखा है, दो ट्रांजेक्शन में दे रखा, दोनों की एंट्री आपको करनी है। तो सबसे पहले हाँ अभी कंपाउंडिंग मिलेगा आगे। देखिए यहाँ फर्नीचर का खाता एक बनाया गया है ना, यहाँ आपको दिख रहा है ना फर्नीचर। अब आप बताओ फर्नीचर मेरे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। और हम जानते हैं कि जो एसेट्स के खाते होते हैं वह रियल अकाउंट, एसेट्स का जो खाता होता है वो रियल अकाउंट होता है। वो रियल अकाउंट का सीधा सा नियम है कि जो वस्तु या धन व्यापार में आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। तो आप बताओ फर्नीचर व्यापार में आ रहा है या व्यापार से जा रहा है, फर्नीचर व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट, इसलिए फर्नीचर को करेंगे यहाँ पर डेबिट। तो सोल्यूशन आपको क्या मिला, सोल्यूशन आपको मिल गया कि फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो क्रेडिट कौन सा होगा, आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, बैंक एक प्रकार का क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में ये क्या है, देने वाला,
ये पैसा दे रहा है, यानी ये क्या है, देने वाला, और देने वाला हमेशा क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे। अब सुनने यहां लिख देंगे टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, ठीक है, ये भी हो जाएगा। लिखना चाहे लिख लीजिए क्वेश्चन का सलूशन। लिख नहीं रहे हो, गलती से पढ़ने आ गए क्या? पन्ना निकालो कटिया में से, एक पेन हमसे लिखो। ठीक, बहुत होशियार हो तुम। आगे बढ़ा जाए, कोई ऐसा इसको समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा होगा ना, अभी आपको रूल सब पढ़ाना पड़ेगा, रटाना पड़ेगा, तब समझ आएगा। आर्यन आ रहा तुमको सुनने? तुम्हारे मामा कहाँ रहे? मामा विकास, हाँ तुम भैया कहाँ रहे? और कोई एब्सेंट चल रहा है? वो सब कहाँ रह गए? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगला है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स अमाउंटेड रुपीज 50,000, इसी सेम रेट का ट्रांजेक्शन है। क्या कहा जा रहा है? गुड्स परचेज, गुड्स खरीदा गया फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स, लक्ष्मी ट्रेडर्स से अमाउंटेड रुपीज 50,000, 50,000 रुपए। तो आप देखिए गुड्स और परचेज दोनों चीजें एक साथ आ गई, तो खाता किसका बनाया गया? परचेज। चलिए इसको बनाते हैं लोग, क्योंकि गुड्स और परचेज एक साथ आ गया, इसलिए हम यहाँ पर खाता जो बनाएंगे वो खाता बनाएंगे परचेज का। परचेज बिजनेस के लिए एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल में खर्च होता है, खर्चों को करते हैं डेबिट। एक चीज पता चल गया, ये खर्च है और खर्च होगा हमारा डेबिट। दूसरा चीज यहाँ, दूसरा चीज है हमारा लक्ष्मी ट्रेडर्स। तो लक्ष्मी ट्रेडर्स क्या है? एक प्रकार का फर्म है। क्या है? फर्म है। फर्म का जो खाता होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का नियम है कि देने वाला क्रेडिट और पाने वाला डेबिट। आप बताओ ये लक्ष्मी ट्रेडर्स देने वाला है कि पाने वाला है? चूंकि ये पर्सनल अकाउंट है, देने वाले से इसको करेंगे क्रेडिट। सोल्यूशन क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी ट्रेडर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी ट्रेडर्स, नोट कर लीजिए कॉपी में, परचेज अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी ट्रेडर्स अकाउंट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन कैश अमाउंटेड रुपीज 5,000 टू गणेश इंटरप्राइजेस। गणेश इंटरप्राइजेस को 5,000 रुपए गुड्स सेल किया गया। तो जहां कहीं पर भी सोल्ड और गुड्स ये दोनों चीजें साथ में आए, जहां कहीं पर सोल्ड और गुड्स ये दोनों चीजें साथ में आए, वहां पर आपको क्या करना चाहिए? खाता बनाना चाहिए। किसका? सेल्स। तो जब कभी भी आपको सोल्ड और गुड्स ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई दें, तो आप खाता बनाइए सेल्स का। सेल्स का जो खाता होता है वह एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल में एक प्रकार का इनकम है। क्या है? आय है। और हम ये जानते हैं कि जो आय का खाता होता है वह क्रेडिट होता है।
इसलिए इसको हम करेंगे क्रेडिट। ये इनकम है, आय है, और आय का खाता होता है क्रेडिट, इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। दूसरा खाता जो हमारा बनेगा वो है कैश का। जब हमने सेल किया तो हमें पैसा रिसीव हो गया तो हमारी इनकम बढ़ गई, और हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में हमें ये देखना है कि व्यापार में आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है, जब हम सेल कर रहे हैं तो हमको पैसा मिल गया, पैसा मिलने का मतलब पैसा व्यापार में आ रहा है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, इसलिए इसको करेंगे डेबिट। सोल्यूशन आपका क्या बनेगा? सोल्यूशन आपका बनेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये सोल्यूशन ये निकला, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नोट कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया। बताइए यार, कल जाओगे बताओ, फाइल बता दो, फुली रिकॉर्ड हुई है, ठीक ताजा पन कर लो। यहां तक समझ में आ गया ना? अगला है 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन। 10 अप्रैल के ट्रांजेक्शन में क्या कहा जा रहा था, सुनिए, परचेज गुड्स फ्रॉम, गुड्स खरीदा गया फ्रॉम किससे? मिस्टर विवेक, विवेक से परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर विवेक ऑन कैश नगद अमाउंटेड रुपीज 2,000 रुपए का, एज रुपीज 100 डिस्काउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विवेक, 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिला। आर द गुड्स परचेज ऑन द कैश फॉर रुपीज 2,000। अब सोचो हम सामान कितने का खरीद रहे हैं? 2,000 का। डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपए। पेमेंट कितना दिए होंगे? 1900। कॉमन सेंस की बात है ना, इतना दिमाग लगा ही लोगे, 2,000 का सामान खरीदे, 100 रुपए डिस्काउंट मिल गया तो 1900 रुपए देंगे। अब चलिए खाता बनाया जाए इसका, तो सबसे पहले कौन कौन सा खाता बनेगा वो चीज देखिए। चूंकि यहाँ पर परचेज और गुड्स दोनों चीजें साथ में दे रखी हैं, यहाँ पर दे रखा है परचेज और गुड्स, ये दो चीज एक साथ है, इसलिए आप यहाँ पर खाता बनाएंगे परचेज में। परचेज को अगर आप चेक करें तो परचेज एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट, परचेज है क्या? नॉमिनल अकाउंट। परचेज को अगर आप चेक करेंगे तो परचेज एक प्रकार का नॉमिनल, और नॉमिनल अकाउंट में आपको ये देखना होता है आय है, लाभ है, व्यय है या हानि। तो परचेज मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का व्यय हो गया, और व्यय के खातों को करते हैं डेबिट, इसलिए हम उसको करेंगे। परचेज कितने का किए हो? परचेज किए हम 2,000 रुपए का, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए 2,000। क्या हुआ? मान पीछे का देख रहे, हाँ, तो 2,000 का परचेज हुआ है, ठीक। अब देखो इसमें 100 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा आप खाता किसका बनाओगे? डिस्काउंट, और इसको पूरा बकायदे लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट मिलना एक प्रकार का क्या है? आय है, इनकम है, लाभ है। चूंकि डिस्काउंट मिलता है तो आपको फायदा होता है, और लाभ के खाते को करते हैं हम लोग क्रेडिट, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। कितने से? 100 रुपए से। कितना डिस्काउंट मिल गया? 100 रुपए। तीसरा, पेमेंट आपने कितना किया? पेमेंट कितना किया? 1900 रुपए का, इसलिए तीसरा जो खाता बनेगा वो बनेगा कैश का। तीसरा खाता जो बनेगा वो बनेगा
कैश का, तो तीसरा खाता बना लीजिए कैश का। कैश चूंकि एक प्रकार का रियल अकाउंट है, कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार में आ रहा, आने वाले चीज को जा रहा है, वही परचेज के बाद पेमेंट करेंगे ना, तो क्या होगा, जाएगा, कैश चला गया। तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और व्यापार से जा रहा, हम पेमेंट करें इसलिए जा रहा है, जाने वाली चीज को करते हैं क्रेडिट और यहाँ लिख देंगे 1900। अब देखिए क्रेडिट दो खाते होंगे, डिस्काउंट रिसीप वाले और कैश वाले, 100 और 1900 जोड़ोगे 2000 रुपए आपका पूरा हो जाएगा और डेबिट हो रहा है 2000, यानी डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर है, यानी ट्रांजेक्शन हमारा सही है। सुनाया, इसमें तीन खाता बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2000 रुपए, डिस्काउंट रिसीप अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए और कैश अकाउंट क्रेडिट 1900। आगे बात सुनने क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट हमारा है पेड रुपीज 24,000 टुवर्ड्स रेंट, मिटाओ सर। बढ़िया डस्टर मिल गया ना, सब चकाचक सा। हाँ तो कैश आता पर डिस्काउंट हम अलाउ करते किसी को, तो कंडीशन बदल जाता। पेड रुपीज 24,000 24,000 रुपए का पेमेंट किया गया टुवर्ड्स रेंट, रेंट के लिए थ्रू चेक नंबर 550027। हाँ तो लॉस होता है, उसको डेबिट करते आप आईसीआईसीआई बैंक, हम आईसीआईसीआई बैंक से पेमेंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रेंट के लिए दे रहे हैं। हमारे मकान मालिक आए, उन्होंने बोला हमको किराया चाहिए, अच्छा ठीक है चेक ले लीजिए, हमने उनको 24,000 रुपए का चेक काट के दे दिया। सोचो एक्चुअल में कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे, पहला तो मेरा खर्च, खर्च कौन सा, रेंट का आएगा ना। रेंट को अगर आप चेक करेंगे तो रेंट चूंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है इसलिए होगा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का नियम ये कहता है कि सभी खर्चों को डेबिट किया जाए, इसलिए हम इसको करेंगे डेबिट। दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, बैंक किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और देने वाला है, और देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो जाएगा। बताइए आया समझ में, आगे बढ़ा जाए। सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन है डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 850 चार्ज ऑन मशीनरी। तो सबसे पहले कोई ये बताओ कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, हरास, क्या हरास, हाँ कैसा लॉस, बताओ रानी व्हाट इज डिप्रिसिएशन, फिर कमी आना ह्रास नहीं है, ऐसा नहीं उसका दो चार गुना डबल ढीला हो गया कि वो ह्रास, उस कमी की वजह से, सुनो उस कमी की वजह से
उसका जो मूल्य कम होता है वही डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन अमाउंट, यानी इन रुपीज, इंडियन करेंसी में उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जैसे मान हमने कोई फोन खरीदा, ठीक, तो मेरे बिजनेस का एसेट्स हो गए। अब अगर वो फोन मेरा खराब हो जाता, अब अगर वो मेरा फोन खराब हो जाए, ठीक, या कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद, देखो बैठे जगह, कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद हम उसको सेल करते हैं, अगर 12,000 का फोन खरीदा तो क्या 12,000 का मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। अगर 12,000 का फोन हमने परचेज किया तो क्या 12,000 का आपको मिलेगा? नहीं। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे बिजनेस का एक प्रकार का खर्च है, लॉस। यहाँ पर देखिए पहला खाता बनेगा डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन को अगर देखा जाए तो ये बिजनेस का एक प्रकार का क्या है, लॉस है। और लॉस का जो होता है सिस्टम, वह नॉमिनल अकाउंट के नियम के अनुसार इसको हम करते हैं डेबिट। तो डिप्रिसिएशन का अकाउंट हमेशा हमारा डेबिट होगा। जब एप्रिसिएशन लगेगा तो क्रेडिट होगा। एप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट्स के मूल्य में कमी, सॉरी किसी भी एसेट्स के मूल्य में बढ़ोतरी। हमने गोल्ड खरीद लिया, सोना 10,000, हाँ, और उसकी कीमत अचानक बढ़ गई, उसके मूल्य बढ़ गए ना। जमीन ले लिया, उसका कीमत बढ़ गया, तो एप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो एक खाता तो आपको पता चल गया डेबिट का, डिप्रिसिएशन को आप करेंगे डेबिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? मशीनरी को। ये डिप्रिसिएशन एडजस्ट किससे होगा? मशीनरी के साथ। इसलिए मशीनरी चूंकि प्रकार का एसेट्स है, इसकी वैल्यू कम हो रही, इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। इसलिए हम इसको करेंगे क्रेडिट। तो सोल्यूशन क्या बनेगा, डिप्रिसिएशन का अकाउंट होगा हमारा डेबिट और क्रेडिट होगा हमारा मशीनरी। हो जाएगा, यही इसका सलूशन। तो आज की क्लास कैसा तुम लोगों को समझ में आया? कोई ऐसा बंदा जो उसको समझ में ना आया हो बताओ, बताइए, कोई ऐसा बंदा इसको समझ ना आया? सबको समझ में आ गया? ये था कंपाउंड जनरेटिविटी का लेसन। ठीक, उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा, और कल फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। कल हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त की जा रही है। टेक केयर, बाय बाय।